क्यों आज पहली क्लास है तुम्हारी? पहली क्लास है आज? इस थर्ड सेमेस्टर की पहली क्लास है? क्लास में तुम दिखी तो नहीं इसके पहले? हाँ आती हो क्लास करने? कितनी क्लास की अब तक? थर्ड सेमेस्टर की कितनी क्लासेस किया है आपने बताओ? बहुत कम आ रहे हो ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्यों कम क्यों आ रहे हो? अच्छा ठीक है बैठो। तो हमने क्या पढ़ा पिछली क्लास में? जाति की भूमिका। यस, अगर एक बच्चा आएगा तब भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो हमने जाति की भूमिका देखा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए जाति, अब इनका तो अलग ही है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए जाति एक वरदान है कि अभिशाप है, इस पे बात करेंगे। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब देखो इंसानी दिमाग जो है ना बेटा, अब आपको नहीं लगता कि ये जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, जो जातिवाद का जहर है खत्म होना चाहिए? लेकिन कैसे खत्म होगा? ये तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो लेकिन खत्म होगा कैसे? हाँ वेरी गुड, क्या बोल रहे हैं कि क्या हो जाए? इंटर कास्ट मैरिज है ना, रोटी और बेटी का संबंध हो जाए, जाति व्यवस्था ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जैसे भारत और नेपाल का कहा जाता है, जब आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे तो इंडिया और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है, मतलब जैसे जहाँ जहाँ एक दूसरे के यहाँ अगर शादी ब्याह होंगे तो खाना पीना होगा, समझ रहे हो? अभी क्या होता है, अभी उच्च तथाकथित उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के यहाँ खाना पीना नहीं खाएंगे, है ना, पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे। और जब उनके वैवाहिक संबंध इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो फिर तो सब खाना पीना नॉर्मली हो जाएगा, साथ में उठक बैठक हो जाएगा सारी चीज़ें। अभी जो है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, छुआछूत को प्रैक्टिस करते हैं, है ना, देखा होगा। लेकिन इंटर कास्ट मैरिज भी इतना आसान तो है नहीं। आज समाज में देखो एक दो चार उदाहरण मिल जाते होंगे, है ना, कहीं किसी लड़के को या किसी लड़की को किसी दूसरे जात के लड़के या लड़की से प्यार हो गया, अब वो शादी कर ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल से छुप छुपा के भाग भाग के इधर उधर से जब कर लेते हैं तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लड़की पक्ष या लड़का पक्ष हमेशा उनके पीछे पड़ा रहेगा, उनका उनको अपनी जान का, लोग बताओ कि अपने ही बच्चे को मारने पे आमादा हो जाते हैं, फिर अपने ही बच्ची को बोलेंगे इसको जान से मार दो, जिसको उन्होंने खुद ने पैदा किया है, 20 साल पाला पोसा है, खिलाया पिलाया है, पढ़ाया, बड़े प्यार से, बड़े लाड प्यार से पहला है। लेकिन क्या होगा जब वो अगर जरा सा भी कुछ इधर उधर हो गया उसके जीवन में प्यार को लेके, कि उसको प्यार किसी दूसरी जात में हो गया, दूसरे धर्म में हो गया, तो फिर वह उसी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, घरवारों के लिए सबसे बड़े शत्रु हो जाएगी। और कईयों ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि लड़की या लड़का मार ही दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि वह घर वालों की नाक का सवाल हो जाता है, बोले नाक कटा दी है लड़का या लड़की, ऐसा बहुत सारे केस में हुआ है। और खासकर अगर लड़कियों के मामले में तो कई सारी वैरायटी है, जैसे मान लो लड़की तथाकथित उच्च जाति की है और लड़का निम्न जाति का है, तब तो लड़की वालों के लिए और ज़्यादा, समझ रहे हो कि ये तो कैसे हो गया। तो समाज में ये जो इंसानी दिमाग है ना, हमेशा विभाजन चाहता, विभाजन। अब शुरुआत में जो जाति व्यवस्था बनाई गई थी वो कामों के लिए बनाई गई थी, पहले एंशियंट टाइम पे इतना प्रोफेशनलिज्म तो था नहीं कि कंपनी है कि चलो यहाँ लकड़ी का काम हो जाएगा, यहाँ लोहे का काम हो जाएगा, यहाँ इसका वहाँ उसका। समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि कुछ लोग हैं जो ये काम करें, कुछ लोग हैं जो वो काम करेंगे। लेकिन इंसान कैसे चलता है? इंसान बड़ा स्वार्थी होता है, आपने सुना है ना उसको, हॉब्स को, रूसो को, कि इंसान बड़ा ही स्वार्थी है। हॉब्स ने तो कहा ये स्वार्थी, लोभी, लालची, डरपोक सब है इंसान। तो अब उसने अपने काम को, या कुछ लोगों ने अपने काम को बड़ा उच्च मान लिया
और दूसरे लोगों को निम्न कहने लगे। ये सब जगह होता है, आपके कॉलेज में भी होता होगा। कुछ लोग अपने आप को बहुत इलीट मानेंगे, बोलेंगे कि हम बड़े तेज हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं, बड़े 30 मार्का हैं, वो अपने आप को बड़ा उच्च समझेंगे। वहाँ पे विभाजन सब जगह है। और कुछ लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो, हर जगह पे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे दूसरे का, मजाक, मजाक भी तो उड़ाते हैं ना, और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे बार बार, और ऐसा होता रहता है। हाँ, तो अब जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का एक छोटा सा, ये बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है कि टाइटल बंद कर दो। एक टाइम पैसा हुआ था कि लोगों ने अपने सरनेम लिखना बंद कर दिए, वो कुमार लिख लेते थे कि कुमार लिख लिए, या कुछ नहीं लिखते थे, पहला अक्षर लिखते थे बस। लेकिन वो उतना प्रभावी तरीका नहीं। जैसे या ऐसा होता कब था, जब मान लो कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है सिनेमा में, पॉलिटिक्स में, किसी में भी, अब वो कैसे अपने आप को ये दिखाए कि हम यूनिवर्सल हैं, हम सबके लिए हैं, तो अपने जाति का जो टाइटल होता था वो हटा देती थी। अब उनके काम के आधार पर रखे गए थे। जैसे आज भी बहुत सारी जातियां होती हैं, मुंबई में एक जाति का लो, हालांकि एक्चुअल में एक ग्रुप था वो डिब्बे वालों के नाम से, वो सबको खाना सप्लाई करते हैं, क्योंकि मुंबई में बड़े शहरों में सब काम करने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर, उनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता, टिफ़िन सर्विस लगाए रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा समूह था जो टिफ़िन सर्विस देता था, तो बाद में उसने अपना सरनेम ही डिब्बे वाला रख लिया। आप कहो कि डिब्बे वाला एक जाति बन गई। तो अपने काम के आधार पर जातियों को डिसाइड किया गया था, उनके टाइटल दिए गए कि ये उस काम को रखेंगे। लेकिन समाज ने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या किया, बता दिया कि ये काम बड़ा उच्च है, ये काम बड़ा निम्न है। मतभेद वहीं से हो गया, भेदभाव वहीं से हो गया, जहां ऊंच और नीच आ गया। और इंसानी जो दिमाग है, देखो सबसे अच्छा तरीका तो है इसको खत्म करने, शरीर की कोई जाति नहीं होती, शरीर की कोई जाति होती है, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, चेतना की कोई जाति नहीं होती, ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, इन चीज़ों की कोई जाति नहीं है। लेकिन इंसान जब स्वार्थ की भावना से भर जाता है तो वह क्या करता है, एक तरह से विभेद करता है, बंटवारा करता है। और इंसानी दिमाग को बंटवारा बड़ा पसंद है, जम के बंटवारा करता है, कभी जातियों के बीच में बंटवारा करेगा, कभी धर्मों के बीच में बंटवारा करेगा। अब हिंदू धर्म को ही समझ लो, है ना, हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म में ही कितनी सारी जातियाँ, कितने सारे भेदभाव जुड़े हुए हैं। इसीलिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होता है, अब हिंदू धर्म से ही सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होता है दूसरे धर्मों में, बाकी दूसरे धर्मों के लोग इतना कन्वर्ट नहीं होते जितना हिंदू धर्म में होते। क्यों, क्योंकि जब आप अपने ही भाई बहनों को, अपने ही साथ के लोगों के साथ भेदभाव करोगे, जातिगत भेदभाव करोगे, सामाजिक भेदभाव करोगे, आर्थिक भेदभाव करोगे, तो रह पाएंगे आपके साथ, नहीं रह पाएंगे, और फिर कहेंगे कि हिंदू धर्म एक ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो भेदभाव सब लेवल पे है। जब इंसान को कुछ नहीं मिलेगा, अब स्त्री पुरुष में भेदभाव देखो, स्त्री पुरुष में भी खूब भेदभाव होता है कि ये महिलाएं हैं तो ये काम नहीं करेंगी, ये पुरुष हैं तो ये काम करेंगे। अमीर गरीब में कितना बड़ा भेदभाव है, सो कॉल्ड जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश जो हैं, आपको क्या लगता है वहां भेदभाव नहीं होता, वहां भी जम के भेदभाव होता है। यस, अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, समझो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, अब वहां गरीब की क्षमता है कि वहां घुस जाएगा, ये भी क्या है, एक प्रकार का भेदभाव ही तो है। और घुस भी गया और वहां का मेन्यू कार्ड देखा, मेन्यू कार्ड देखते ही भाग जाएगा, तो उसके साल भर की कमाई जितनी होगी उस वहां एक डिश उतने की है। तो भेदभाव सब जगह पे है, हर लेवल पे है, लेकिन कुछ प्रयास करके उसको कम किया जा सकता है। और समाधान है सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे, चेतना के लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे, स्पिरिचुअलिटी ही है इसका समाधान, कि लोग आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें, चेतन हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं। लेकिन हर आदमी का इस लेवल पे पहुंचना, कॉन्शियस लेवल पे, इतना आसान नहीं, उसके लिए बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है, तब जाके वहाँ पहुँचता है इंसान।
आध्यात्मिकता में कोई भेदभाव नहीं। जैसे बहुत सारे लोग तो वहाँ भी भेदभाव कर लेते हैं, कहते हैं ये वेद हैं, ये पुराण हैं, ये जो ग्रंथ हैं ब्राह्मणों ने लिखे, नहीं पढ़ेंगे इसको। लेकिन वहाँ जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पर कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, वहाँ सारा समाज एक था, यूनाइटेड, एक तरह से यूनिटी की बात होती थी, एकता की बात होती थी। बात समझ में आ रही है? तो जितना जाति से पहले वर्ण सिस्टम चलता था, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वो सिर्फ कर्म के आधार पे था कि जो जैसा काम करेगा उस वर्ण में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने, जिनको लगा कि अब जैसे मान लो वो तो कोई इंसान ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में था, अब उसके बेटा जो पैदा हुआ, उसकी जो संतानें पैदा हुई, वो उस कुल के लायक नहीं थे, उनके काम दूसरे टाइप के थे, तो उनको लगा कि अरे जब मैं इस कुल में था तो मेरा बेटा दूसरे कुल में कैसे चला जाए, दूसरे वर्ण में कैसे चला जाए। तो फिर वही क्या हुआ, वंशानुगत हो गया सिस्टम उनके स्वार्थ की वजह से। पहले था काम के आधार पर, फिर इंसान का जब स्वार्थ जुड़ा तो चीज़ें हो गई वंशागत, वंश दर वंश चलने लगे कि पंडित जी का लड़का है एक नंबर का दारू खोर है, मुर्गा खोर है, अंडा खोर है, और मान लो उसके पिताजी बड़े प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं, गीता भागवत सुनाते हैं, लेकिन उनका लड़का देख रहे हो उसके काम कैसे हैं, तो कैसे कहने कि मेरा लड़का अब मेरे एक तरह से वंश का नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे वर्ण का नहीं है, ये गया दूसरे वर्णों में, ये क्षत्रिय में गया, शूद्र में गया, वैश्य में गया। उनको ये बातें एक तरह से विश्वास नहीं होता, तो इसी वजह से, उनके स्वार्थ की वजह से ये सारा सिस्टम डिस्टॉर्टेड हो गया, खत्म हो गया, और फिर तरह तरह के डिस्टॉर्शन पैदा हो गए। जाति व्यवस्था ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान भी किया है, बहुत बड़ा नुकसान, समाज में बहुत ज़्यादा अलगाव पैदा किया है। इसीलिए जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के जा रहे थे तो उनको लगा था कि ये देश एक नहीं रह पाएगा, लेकिन कुछ तत्व हैं जो एक करने का प्रयास करते हैं, उनकी वजह से रह गया। लेकिन खतरा अभी भी बहुत, समझ रहे हो, जो इंडिया के दुश्मन कंट्रीज हैं उनको ये सबसे आसान रास्ता लगता है, और इसी को कईयों बार वो यूटिलाइज भी करते हैं कि हाँ धार्मिक उन्माद, जाति उन्माद फैला दो, धार्मिक विभेद पैदा कर दो, लड़ जाए आपस में सभी, फायदा उठा लेंगे, जातिगत भेदभाव पैदा कर दो, लड़ जाए आपस में सभी, फायदा उठा लेंगे उसका। और जब जैसे रिलीजन एक नशे की तरह होता है ना, वैसे जाति भी एक नशे की तरह होती है। मार्क्स का एक फेमस स्टेटमेंट है ना कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए नशे की तरह है धर्म। ऐसे ही वर्तमान समय में आप कहोगे तो कास्ट इज द ओपियम ऑफ पॉलिटिक्स, जाति भी नशे की तरह है राजनीति में। और यही नशे की घुट्टी जब जब चुनाव आता है राजनीतिक पार्टियां खूब पिलाती हैं लोगों को, जनता को, और उनको एक तरह से उनके अंदर जातिवाद, धर्मवाद, भेदभाव सारी चीज़ें भरती हैं, और फिर समाज, क्योंकि ये करते क्यों हैं, उनको लगता है कि बस चुनाव में फायदा हो जाएगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। एक बार अगर आपने आग लगा दी, चिंगारी लगा दी, तो आग बुझती नहीं है, और उसके रिपरकशन भोगता कौन है, समाज भोगता है। अलग अलग टाइप के दंगे, बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, ठीक है। तो आज आप हेडिंग डालो इसमें, लिखो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका हो गई थी। क्या लिखा था पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास में आए थे बताएं, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका मैंने बता दिया था आपको, तो लिखो इसमें रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जाति की क्या भूमिका है भारतीय राजनीति में, लिखो। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। अब बहुत सारे दल बने होते हैं जातिगत आधार पर। जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है, ठीक है। तथा हेरल्ड गोल्ड ने कहा था कि, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं हेरल्ड गोल्ड,
ठीक है। हेरल्ड गोल्ड ने कहा था कि राजनीति का आधार होने के बजाय, राजनीति का आधार होने की बजाय, राजनीति का आधार होने की बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। अच्छा, धीरे धीरे आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग घर में बैठ के पढ़ लोगे कि घर वाले कॉलेज जाने से मना कर देते हैं आप लोगों को? नहीं, दिवाली की बात नहीं, मैंने देखा है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा बच्चे कॉलेज जाते हैं, फिर सेकेंड ईयर में कम हो जाते हैं, थर्ड ईयर में और कम हो जाते हैं। क्यों? आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि अच्छा आप देख लिए, समझ गए अब मामला कैसा है, कैसे पास करना है, कैसे पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में नहीं समझते, समझते हो आके, इसके बाद अपने से कुछ प्रयास करते हो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाते हो। आत्मनिर्भर भारत, अब हम आत्मनिर्भर हैं, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे खुद से, है ना। और दोनों तरफ ये देखा गया कि लड़कियां भी नहीं आती, लड़के भी नहीं आते। और लड़के तो ऐसे भी बहुत कम है, हैं, संख्या के 2-4-10 होते हैं क्लास में। और लड़कियों को तो घर वाले मना करते होंगे कि तुम काम करो घर का, है ना, कहाँ जाओगी, क्या रखा है, क्या रखा है पढ़ने लिखने में, घर का चूल्हा चौका करो, रोटी बनाओ, बर्तन साफ करो, यही तुम्हारा जीवन है ना। समझ लो, अगर घर वाले ऐसा कह रहे हैं या कॉलेज आने से रोक रहे हैं तो सबसे बड़े दुश्मन वही हैं, सबसे ज़्यादा बुरा चाहने वाले वही हैं जो तुमको कॉलेज स्कूल जाने से रोके। क्योंकि ये समाज, ये सोसाइटी हमेशा से तुम लोगों को रोका है, महिलाओं को रोका है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, सबने महिलाओं का जम के शोषण किया है, जम के। धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबने महिलाओं को रोका है कि महिलाएं शिक्षित ना होने पाए, महिलाएं जागरूक ना होने पाए, महिलाएं सक्षम ना होने पाए। और आज भी वही सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हो, अपना हित समझो, अपना भला समझो, ये मत सोच लो कि घर वाले मेरा भला ही कहेंगे। घर वाले हमेशा अपने भले के लिए तुम्हारा भला करेंगे। सब इंसान स्वार्थी होता है, ठीक है, स्वार्थ सबके अंदर है, चाहे घर वाले हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, सब स्वार्थी हैं। हर आदमी के अंदर स्वार्थ है, हर आदमी के अंदर। ये मत सोचो कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हमारे कोई आ जाएगा, हमें निस्वार्थ भाव से हमारे कहेगा कि नहीं नहीं तुम करो, अपना भला करो। अगर आप उसके लिए फायदेमंद नहीं हो तो आपका भला नहीं चाहेगा। इंसान दूसरे का भला तभी तक चाहता है जब तक उसका फायदा होता रहता है। सेल्फ इंटरेस्ट का मामला है पूरा, ठीक है। तो लिखो, आगे लिखो इसमें। भारतीय राजनीति में जाति की निम्नलिखित भूमिका है। नंबर वन, निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावी भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावी भूमिका। पहले मैं आपको हेडिंग हेडिंग लिखा दूंगा, इसके बाद उसको मैं समझा दूंगा कि क्या क्या होता है। अब निर्णय प्रक्रिया मतलब, जैसे मान लो भारतीय राजनीति में बहुत सारे दल जातिगत आधार पर बने होते हैं। राजनीतिक पार्टियां जब टिकट का वितरण करती हैं तो वो भी जातिगत पक्षों को ध्यान में रख के करती हैं, ठीक है। और जब कोई भी, जैसे मंत्रालय में कोई मंत्रिमंडल का बंटवारा करना है, इन सब में जातिगत मुद्दों को ध्यान रखा जाता है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग करना है, जैसे अभी जातिगत जनगणना का बहुत बड़ा सवाल चल रहा है ना। अब जातिगत जनगणना का भी एक जो पॉजिटिव फीडबैक होगा, पॉजिटिव काम होगा उसका, कि पॉलिसी मेकिंग के टाइम ये ध्यान रखा जाएगा कि किस जाति के लोग कितने हैं, इनको कितना फ़ायदा मिला है, उस हिसाब से काम करेंगे। इसके मिसयूज तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, चुनावों में, लेकिन इसका अच्छा पॉजिटिव काम ये होगा कि ये दे, जैसे मान लो ओबीसी एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना, ओबीसी बहुत बड़ा ग्रुप है, ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं। अब ओबीसी में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत आगे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत पीछे हैं, और लगातार ओबीसी को दिए जाने वाले रिजर्वेशन या अदर जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ ही जातियां उठा पा रही हैं, जो अगड़ी जातियां हैं ओबीसी में, और बाकी जातियां बस नाम के लिए ओबीसी में हैं, फायदा वायदा कुछ नहीं उठा पा रही, वो बस पीछे ही होती जा रही हैं। और
इसीलिए क्या हो रहा है, अनइक्वलिटी बढ़ती जा रही, असमानता बढ़ती जा रही है आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे, सब लेवल पे। ठीक है, तो जातिगत जनगणना के माध्यम से यह सारी चीज़ें पता लगाई जाएंगी कि कौन सी जातियाँ ज़्यादा आगे जा रही हैं, अब उनको दूसरी कैटेगरी में डाल के जो पीछे हैं उनको फ़ायदा देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब OBC में सब कैटेगराइजेशन के लिए एक कमेटी बनाई भारत सरकार ने, जी रोहिणी कमेटी, जस्टिस रोहिणी कमेटी एक बनाई कि आप ये देखो कि OBC में इतनी सारी जातियां हैं तो कौन सी जातियां ज़्यादा फ़ायदा ले रही हैं, कौन सी कम ले रही हैं, जो ज़्यादा ले रही हैं या जो एक तरह से अब उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि बेसिक जो एम्यूनिटीज हैं प्राप्त कर लेती हैं, उनको जनरल कैटेगरी में डालो, जो बहुत पीछे हैं उनको उसका रियल फ़ायदा दो। अब जैसे SC ST का भी है, SC ST में फ़ायदा कौन ले पाता है, SC समुदाय या ST समुदाय के लोगों में फ़ायदा वही ले पाता है जो कुछ पढ़े लिखे हुए हैं उस समुदाय में। अब जो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या फ़ायदा उठाएंगे, वो वहीं उसी तरीके से नोमैडिक जीवन जी रहे हैं पुराने जमाने वाला। और इसमें होता क्या है, SC या ST में पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लो किसी SC समुदाय का या ST समुदाय का कोई DM है, ठीक है, अब उसको उस कैटेगरी से बाहर नहीं निकाला जाता, मतलब उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस रिजर्वेशन का फायदा अब उसके बेटे को मिलेगा, फिर बेटे को मिलेगा। अब एक्चुअल में वो तो बहुत आगे निकल चुका है, वो तो ग्रुप ए सर्विसेज में है, वो नीति निर्माता है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई IAS IPS है, वो सब, लेकिन फायदा कौन उठाएंगे, उन्हीं के परिवार ज़्यादा उठाएंगे। वो गरीब आदमी जो जंगलों में गांवों में रह रहा है, दिन रात मजदूरी कर रहा है, SC ST समुदाय से है, रिजर्वेशन का फायदा एक्चुअल में उसको मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा किसको, जो आगे हैं ऑलरेडी, और वो लोग इतने पावरफुल हैं कि इन चीज़ों को कभी ख़त्म भी नहीं होने देना चाहते। जब सरकारें इस मामले में कोई प्रयास करेंगी ना, तो वो ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन समाज में क्रिएट करेंगे, बोलेंगे देखो सरकार आरक्षण खत्म करने जा रही है, लोग रोड पे आ जाएंगे, तो सरकारें कर नहीं पाएंगी, डर जाएंगी सरकारें। इसीलिए कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जिसको एक बार रिजर्वेशन का फायदा मिल गया, खासकर जो ग्रुप ए या ग्रुप बी सर्विसेज में आ गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, उनको रिजर्वेशन का फायदा आगे नहीं मिलना चाहिए, उनकी पीढ़ियों को, उनके परिवार वालों को, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसीलिए जो पिछड़े हैं वो खूब पिछड़ते जा रहे हैं, और जो अगड़े हैं आगे हैं वो खूब आगे होते जा रहे हैं। आप लोग देखोगे सब समाज में अगल बगल, अगर थोड़ा आंखें खोल के देखोगे तो, आंखें हैं ना सबके पास, देखने वाली आंखें, ये वाली आंखें नहीं, विजन वाली आंखें, विजन वाली, तब आप देखोगे कि हाँ, तब आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे और तब बदलाव होगा, वरना कई सारी पीढ़ियाँ तो चलती जा रही हैं बस, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं, उनके पास विजन नहीं है। आपके आगे वाली पीढ़ी, जैसे आपके फादर वाली, फिर उनके फादर वाली पीढ़ी, इन्होंने कैसे गुजारा है, आवाज़ नहीं उठाई इन लोगों ने, सिर्फ देखते हुए गुजारा है, ऐसे चलो चल रहा है, चल रहे तो। कैसा नहीं, उसको नहीं मिलेगा जॉब या कुछ ऐसा, तो उसको क्यों नहीं मिलेगा, मेहनत कर रहा तो मिले, कौन रोक रहा उसको, हाँ लेकिन जरूरी है कि क्या रिजर्वेशन का फायदा लेके ही बने। अब देखो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, रिजर्वेशन का मतलब है कि एक बार इनको एक लेवल तक ला दो बस, समझ रहे हो, कि जिसके पास खाने की दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उनको रिजर्वेशन देना है। रिजर्वेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि जो बहुत पिछड़े हैं समाज में उनको हमको बराबरी में लाना है बस, और फिर वो अपना देखें, ये नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको देते रहो, तो बाकी लोग क्या करेंगे जो पीछे अभी इंतजार में बैठे हुए हैं कि एक दिन मुझ तक फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर गई फायदा पहुंचा नहीं उन तक, क्यों, क्योंकि उन्हीं के जाति के लोग, उन्हीं के वर्ग के लोग, जो ऊपर के लोग हैं वही सब खा जाते हैं, नीचे पहुंच नहीं पाता। तो आप लोगों को इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब जाके फायदा मिलना शुरू होगा उन एक्चुअल में जरूरतमंद लोगों को, जिनको फायदे की जरूरत है, तभी समाज ठीक होगा। वरना समाज में देखो, अगर समाज में डिस्टॉर्शन है, जैसे मान लो अपने शरीर से समझो कि आपका शरीर में एक हाथ आपका बहुत मजबूत है,
बहुत मजबूत है एक हाथ, और एक हाथ ऐसा जिसमें दमे नहीं है, तो क्या यह अच्छा शरीर माना जाएगा? ये तो कहा जाए कि खराब है। ऐसे ही देश का सिस्टम है कि मान लो देश में कुछ ग्रुप, कुछ समाज, कुछ समूह बहुत ही स्ट्रांग हैं और कुछ बेचारों के पास खाने के लिए नहीं है, तो वह देश के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। जैसे आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है कि आपका एक हाथ या एक पैर मजबूत हो, एक कमजोर हो। इसीलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि देश का क्या होगा, समावेशी विकास होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आजकल आप लोगों ने, मैंने SDG के बारे में बात की थी, जानते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसमें भी समावेशी विकास की बात की जाती है कि हमारे समाज का समावेशी विकास हो, समाज के सभी वर्गों का एक साथ विकास हो। लेकिन चुनौतियां बहुत है इसके मार्ग में, और चुनौतियां क्यों हैं? क्योंकि लोगों के पास शिक्षा की कमी है। शिक्षा मीन्स ये नहीं कि बस कॉलेज ही स्कूली डिग्री ले लिए, क्वालिटी एजुकेशन, समझ की कमी, कॉन्शियसनेस की कमी है। क्योंकि डिग्रियां ऐसे बिक रही हैं समाज मार्केट में, आप जाओ देखो, जो डिग्री मिल जाए आपको, जो चाहिए वो मिल जाएगी, बस पैसे फेंको, पैसे का खेल है। इसी वजह से वो क्वालिटी आ नहीं पाई। तो अगर आप क्लास में आ रहे हो, BA आप कर रहे हो, BA डिग्री, और क्लास में आ रहे हो, तो आपको कम से कम क्वालिटी एजुकेशन तो मिले, आप सीखो तो, वरना BA की डिग्री लोग बाहर खरीद भी ले रहे हैं, तो उनसे और आप में तो डिफरेंस भी तो हो, कि वो खरीदी हुई डिग्री है और आपने अचीव की, आपने पाई है, आपने मेहनत की है। और डिफरेंस कब होगा? जब आप सीखोगे। सीखोगे नहीं तो फिर वही हालत होगा, कहेंगे का मतलब है तुम्हारे डेली कॉलेज जाने का, आए गए कुछ सीखे नहीं। ठीक है, तो आगे लिखो ना, पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय, ठीक है। नंबर 3, अब जातिगत आधार पर ही तो निर्णय होता है। अभी आपने देख ही लिया है कि मंत्रालय का बंटवारा कैसे होगा, टिकट किसको मिलेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, वो सब जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। आगे लिखो, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। नंबर 3, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। लोग वोट करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखते हैं कि फलाना कैंडिडेट किस जाति का है, अपनी जाति का है कि नहीं। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, अपनी जाति का है, अपने धर्म का है, यही ध्यान रखेंगे, और बाकी उससे कोई मतलब नहीं पब्लिक से, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोचता है, इस पे मुद्दे पे डिबेट भी नहीं होती कि आप शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप चुन के आओगे तो क्या करोगे शिक्षा के लिए, क्या करोगे रोजगार के लिए, क्या करोगे चिकित्सा के लिए, क्या करोगे इस जो हमारा समाज में बहुत सारे कुप्रथाएँ चल रही हैं, इंटर कास्ट मैरिज के लिए आप क्या करोगे, जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए क्या करोगे, कोई पूछता भी नहीं उनसे, ना वो बताते हैं, वो तो मौज में रहते हैं, वो क्यों बताएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व, ठीक है। और अगला लिखो, जातिगत दबाव समूह। जातिगत दबाव समूह, जाति के आधार पर अभिजनों का उदय। अभिजन समझते हो? अभिजन मीन्स इलीट, इलीट क्लास, मतलब विशिष्ट क्लास जो अपने आप को बहुत उच्च मानती है। जातिगत आधार पर अभिजनों का उदय, इलीट क्लास का एक तरह से प्रभुत्व बढ़ता जाता है जातिगत आधार पर। और लिखो, अब अगला हेडिंग डालो आप, भारतीय राजनीति के लिए जाति एक वरदान या अभिशाप। ये आ जाएगा जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि इस पर आप एक टिप्पणी करिए, जाति भारतीय राजनीति के लिए वरदान है या अभिशाप। बोलेंगे कि 1000 शब्दों में लिखिए, और कभी कभी निबंध लिखने के लिए आ जाता है, निबंध लिखिए। निबंध लिखना आता है आप लोगों को? कभी निबंध लिखे हो आज तक? निबंध लिखना सीखो, ये एक बहुत बड़ी स्किल है,
बहुत अच्छी है उसकी। निबंध का मतलब ये होता है कि आप अपने विचार दे रहे हो उसमें, अपने व्यूज। बहुत सारी जगह से आप अपने व्यूज, आपके व्यूज आएंगे कैसे, आपके अपने व्यूज कैसे बनते हैं, जब आप बहुत सारे लोगों के व्यूज पढ़ोगे, बहुत सारी जगह से चीज़ें कलेक्ट करोगे, अपने दिमाग में रखोगे, फिर उन सबको मिला के एक अपना व्यू पैदा करोगे। समझ रहे हो? जैसे गांधी जी, गांधी जी का कोई अपना थ्योरी नहीं, अपना कोई विचार नहीं है, ऐसा बोला जाता है गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने क्या किया, दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को सबको पढ़ा, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी सब, जो भी फेमस किताबें थी, और फिर उन सबको मिला के अपना सार निकाल दिया, अपना कंक्लूजन निकाल दिया, वही उनका भी वही गांधीवाद हो गया। तो जब आप सबकी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ लोगे और सबको मिला दोगे तो वो बहुत सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी। वो इसी तरह भारतीय संविधान को बनाने वाले ने किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया कि दुनिया के अलग अलग संविधानों को पढ़ा और यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 था ही, उसकी बहुत सारी चीज़ें थी, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उन सबको मिला के एक दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान बना दिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, न ज़्यादा रिजिड है, न ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। कि क्यों रिलेवेंट है इस टाइम पे? 24 का चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, समझ रहे हो? तो इस टाइम पे हर न्यूज़पेपर में, आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, हर न्यूज़पेपर में इसी पे आर्टिकल आ रहे हैं, चुनाव सुधार कैसे करें, कौन कौन सी कमेटियाँ अब तक बनी थी, जैसे तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, दिनेश गोस्वामी समिति, ये कई सारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा देखो पैसे का होता है इलेक्शन में, समझ रहे हो? जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट आया है अभी वर्तमान में, जो कुछ पारदर्शिता थी भी वो भी खत्म हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा ये हुआ कि जो पार्टियां सरकार में हैं सबसे ज्यादा चुनावी चंदा उन्हीं को मिल रहा है और इसीलिए किया भी गया है, समझ रहे हो? तो अब इसको एक बार फिर से रिवाइज किया जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, कंपनियों पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे चुनावी चंदा देने का एक लिमिटेशंस थी कि अपने प्रॉफिट का इतना परसेंट इतना परसेंट। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया ना, उन्होंने सारा सिस्टम खत्म कर दिया, बोला कि अब चाहे आपकी कंपनी घाटे में चल रही हो, आप जितना मन करे उतना पैसा दे दो। ये क्या है? यह काला धन इकट्ठा करने का एक तरीका है और आपका नाम भी गोपनीय रहेगा, कोई बताएगा नहीं किसने दिया, समझ रहे हो? तो ये बहुत सारी मुद्दे हैं, ठीक है? तो पढ़ के आना जरूर अगली क्लास में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। चलो।